हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा, और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहां पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड और वो इलेक्ट होकर के आई हैं, यह भी हमको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो यह उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और यह मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बन करके बीजेपी ग्रुप का नेता बना था। उस समय पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ था विमेन का, और जब हम समाज में घूमते थे तो पता नहीं पुरुष प्रधान समाज क्या क्या बातें करता था, ये कुछ नहीं कर सकेंगी, ये तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये क्या जाने, इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली थी। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब यह बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ कर, मैं इसलिए मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन जो रिसर्च के दृष्टि से, अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है, और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केयरसिटी में काम करने में और वाटर स्केयरसिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है, इस तरीके की रिसर्च। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा, इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उसमें आज लगभग 14 लाख से ज्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, सब लोगों के योगदान से हुआ। और एक लंबी जर्नी, अब जब लंबी जर्नी उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं माननीय नड्डा जी, जब चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है, मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति, ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है जी, एंड दैट यू कैन सी ऑल अराउंड। यस, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो,
इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर न मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये कौसा है जुडिशियल बॉडी करती है, उसका उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग क्वासा जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे, अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा, इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए, इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्ट